वैसे मैं बता दूं, अभी हमें कितना बढ़िया कंचनजंगा का व्यू दिख रहा है ना, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है कंचनजंगा। वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है ना वो चाइना में है, कौन सा है वो आप कमेंट करके बताओ। 1500 के हिसाब से बेकार कहूंगा। मैगजीन पॉकेट तो ऐसा रिपेयर करके रखा हुआ है। पीछे सेम ट्रैक में ना डीजल वाली ट्रेन भी आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे रिकॉर्ड नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत भी हो रहा है दार्जिलिंग से ही। दार्जिलिंग हम लोग 2 दिन पहले ही आ गए थे और यहाँ हम लोगों का सारा जो बुकिंग वगैरह है ना हम लोगों ने सौविक दास से करवाया है। आप भी अगर सिक्किम दार्जिलिंग के लिए बढ़िया पैकेज ढूंढ रहे हो ना, सौविक दास का नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। फिलहाल जल्दी में उठ गया था, नहा धोकर मस्त एकदम रेडी हो गया। अभी ब्रेकफास्ट पे टाइम हो गया तो दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। तो ये देख लो, यहाँ पे लगा है ब्रेकफास्ट बुफे। अपने लायक कुछ है कि नहीं है देखना पड़ेगा, निकल जाएगा। तो ये सभी है, देखते हैं अपने लिए क्या है। यहाँ पे पराठे ले लेते हैं, सब्जी है, यही खा लेते हैं, अपना काम इसी से हो जाएगा। फिलहाल मैं अभी आ गया हूँ अपना ब्रेकफास्ट लेकर। और मैं बता दूं, आज हमारा वैसे प्लान हो रहा था, देखो आज हमारा प्लान था वैसे टाइगर हिल जाने का, लेकिन सुबह कोई नहीं उठ पाया भाई, इसलिए सोचा कि चलो टाइगर हिल तो नहीं हो पाया, आपको यहाँ का जो टॉय ट्रेन है वो राइड दिखाएंगे आज, स्टीम इंजन राइड, अगर टिकट बुक हो जाता है तो। फिलहाल ये अपना ब्रेकफास्ट होने वाला है, देख लो आज पोहा है साथ में सब्जी, ये सभी है। ऑप्शन इतना ही था, यही लेकर आया मैं। इसके अलावा बोंडा वगैरह सब कुछ है, आलू बोंडा। चलो इसको कंप्लीट करते हैं फिर मिलते हैं। वैसे तो हमारा यहाँ होटल में ना 2 दिनों का बुकिंग था, लेकिन आज हमें निकलना पड़ रहा है। वैसे अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, हाँ जी, टॉय ट्रेन राइड लेने के लिए। एडजस्ट हो गया ना सब? तो चलो सामान सारा सेट हो गया। और ये देख लो भैया वापस से आ गए आज, मस्त हमारे भैया बहुत बढ़िया घुमाते हैं भैया हमको। भाई टाइगर हिल का वीडियो देख ही नहीं, हम लोगों ने स्किप कर दिया, टाइगर हिल नहीं जाना, इतना भीड़ था। नहीं भाई, हाँ तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं वो तो आपको पता ही है। ये जो अभी आई है ना हमारी स्टीम टॉय ट्रेन, इसी से अभी हम लोग जाने वाले हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वैसे दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन और हमारी टॉय ट्रेन आ भी चुकी है। वैसे अगर आपको टॉय ट्रेन का राइड करना है ना, एक आपको मिलेगा स्टीम इंजन और एक ऐसा डीजल इंजन मिल जाएगा जो कि वहाँ पर खड़ी है, देख लो। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन राइड लेना है ना, थोड़ा डस्ट है लेकिन ये स्टीम इंजन कमाल का है। अभी आ रही है देख लो हमारी स्टीम लोकोमोटिव। देख लो जो स्टीम इंजन अभी आई वही सेम इंजन हमारी ट्रेन को भी लेकर जाएगी। वैसे 11:30 बजे का अपना डिपार्चर टाइम है, 11:28 ऑलरेडी हो चुका है। चलो चलते हैं अब अपने सीट पे। वैसे मैं बता दूं ये अपना कोच है, तो अंदर से देख लो कुछ ऐसा सीट है भाई, तो ये फर्स्ट एसी है, तो फर्स्ट एसी कुछ ऐसा होता है देख लो। 11:30 बजे निकलने वाले थे हम, 11:32 हो चुकी है। बंद कर दीजिए। हाँ एक सेकंड सर, निकल जाए बस स्टेशन से। चलो भाई स्टेशन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है, ऑन टाइम तो नहीं बोलेंगे। भाई ये जो साउंड है ना स्टीम इंजन का, ये सुनने में ही मज़ा आता है। हाँ एक बात का याद रखना, अब जब भी ये स्टीम टॉय ट्रेन का राइड लोगे ना, आपका कपड़ा तो भाई गंदा होना मतलब मैंडेटरी है, तो ध्यान रखना इसका। वो अंदर से पूरा एकदम विस्टाडोम कोच वाला डिज़ाइन है, पीछे भी देख लो, पीछे भी वैसे ही ओपन है, बट इसके बैक वाला हमारा होता तो कुछ फ़ायदा होता। वैसे एक बात है कि ये जो अपनी टॉय ट्रेन है ना, 2 डब्बों की ट्रेन है, और ये जो साउंड है ना भाई,
और एक बात है कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, दोनों अलग अलग है। कोच देख लो, वैसे मैं बता दूं अभी हमें कितना बढ़िया कंचनजंगा का व्यू दिख रहा है ना, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है कंचनजंगा देखने में। वैसे अंदर बहुत ज़्यादा शोर है, पता नहीं मेरा ऑडियो आ रहा होगा कि नहीं, और देख लो कितना कोयला उड़ रहा है। विंडो में बैठोगे ना भाई पूरा गंदा हो जाओगे। अभी हमारी टॉय ट्रेन रुकी हुई है, यहाँ पे देख लो स्टीम इंजन में पानी भरने हेतु, तो यहाँ पे स्टीम इंजन में पानी भरा जाता है। वाटर रिफिलिंग के बाद वापस से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। आप ध्यान से देखो पीछे सेम ट्रैक में ना डीजल वाली ट्रेन भी आ रही है। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बताशिया लोग। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बताशिया लूप। यहाँ अपने इस टॉय ट्रेन का ना शायद 10 मिनट का हॉल्ट है। ये देख लो ऑलरेडी ये मैंने किया हुआ है ना, तो मेरे को उतना कुछ एक्साइटिंग तो नहीं लग रहा है। और मेंटेनेंस तो भाई साहब यार करना चाहिए, इतना एक टूरिस्ट ट्रेन है ना, इसको अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए। मेंटेनेंस तो वैसा कुछ नहीं है, टिकट का प्राइस भी बहुत एक्सपेंसिव है, 1500 रुपये पर पर्सन। बताशिया लूप में अपनी ये जो ट्रेन है ना एक चक्कर काटती है फिर नीचे की तरफ उतर जाएगी। और ये सेम ट्रैक में देख लो ये आपका स्टीम इंजन और डीजल इंजन, बस बीच में कितना 50-60 मीटर का गैप होगा। चलो अभी हम बताशिया लूप से तो निकल चुके हैं, अब हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो है घूम रेलवे स्टेशन, जो कि आप बोल सकते हो इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है ना वो चाइना में है, कौन सा है वो आप कमेंट करके बताओ। वैसे आप लोग अंदर का ना मेंटेनेंस देख लो, इस बार वोटर होल्डर तो सोचो आप ड्राम होल्डर बन चुका है, और मैगजीन पॉकेट तो ऐसे रिपेयर करके रखा हुआ है। 1500 रुपये टिकट के हिसाब से तो भाई बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। हमारे ट्रेन के जस्ट पीछे पीछे ये डीजल वाली ट्रेन भी चल रही थी। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घूम रेलवे स्टेशन। यहाँ पे अपने इस ट्रेन का ना 20 मिनट्स का हॉल्ट है, लेकिन हम अपने ट्रेन को यहीं पे डिबोर्ट कर देंगे। एक्चुअली ये जो राइड कर रहा है ना इसको जॉय राइड बोलते हैं। दार्जिलिंग स्टेशन से स्टार्ट होता है फिर वहीं एंड होता है, मतलब अभी ये घूम कर वापस दार्जिलिंग जाएगी, लेकिन हम अब यहाँ से निकल रहे हैं सिलीगुड़ी की तरफ। ये देख लो जी DHR, ये सामने की तरफ म्यूजियम भी है, और आप चाहो तो म्यूजियम भी घूम सकते हैं। यहाँ पे 20 मिनट्स का हॉल्ट होता है ट्रेन का, तो आराम से घूम सकते हो। अभी सत्य भाई यहाँ से चाय पी कर रहा है, बता रहे बहुत अच्छा है, तो चाय पीना है तो यहाँ से पी सकते हो। सत्य भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? 1500 के हिसाब से बेकार कहूंगा, यही अगर 600 रुपए किराया होता तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया। अगर आप इधर गए हो ना भाई ऊटी वाले टॉय ट्रेन में, वहाँ पे आपने देखे हो गए मिट्टू प्लान से जो चलता है, वो लोग एक ये देते हैं बैग देते हैं, बैग में की रिंग होता है,
स्नैक्स बॉक्स होता है, जबकि किराया इससे कम है, देना चाहिए मेरे को ऐसा लगता है। बहुत पुरानी है, 1891 का शायद यही स्टेशन था। कुछ और अपग्रेड होना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, खैर कोई नहीं। देखो कुछ है नहीं, दो ही डिब्बे, एक मालगाड़ी है इंजन में। तो ये म्यूजियम है पास में, एक ऊपर की तरफ भी आप जा सकते हो। ये जो देख रहे हैं गुड्स ट्रेन रखा हुआ है, इंजन रखा हुआ है, बस यही है। तो टॉय ट्रेन राइड लेने के बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं सिलीगुड़ी के लिए और जा रहे हैं वाया मेरिक होकर। और ये रूट मैंने हर बार दिखाया है और आप लोग को रिकमेंड भी करा है कि जब भी आप जाओगे वाया मेरिक जाना रिटर्न के टाइम, तो बीच में नेपाल बॉर्डर आता है, वो भी आप घूम सकते हो, मेरिक लेक भी देख सकते हो, गोपाल धारा टी गार्डन भी देख सकते हो। बस देख लो, गर्मी बहुत है अभी, बहुत ज्यादा गर्मी है। अगर थोड़ा मौसम चेंज होता है ना और भी मजा है, बट अभी तो बहुत धूप है। खैर कोई नहीं, जाते हैं, अगर रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है वो आपको दिखाते हैं। अभी हम लोगों ने लिया है यहाँ एक ब्रेक, ये लेपचा जगत का ना पाइन फॉरेस्ट है और पीछे से देख लो कुछ ऐसा है। और अभी मैं कैमरा को ना टर्न करता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे। भाई ये जगह सच बता रहा है ना, अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखा था मंजुमल बॉयज, वो कोडाईकनाल का जो गुना केव, वैसा लोकेशन लग रहा है। वहाँ थोड़ा ज़्यादा घना ये जो होता है ना जड़ पेड़ का है, यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन हाँ ये भी बहुत सही जगह है। लेकिन यार बहुत सारे मूवीज़ का शूटिंग भी होता है यहाँ पे, हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो बता रहे थे, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन वैसे मैं बता दूं, अंदर आने के लिए ना 20 रुपीज़ एंट्री फी भी है। वो जो देख रहे हो ना छोटा सा, वही है टिकट काउंटर इनका। ये लेपचा जगत के पास हम लोगों ने एक जो ब्रेक लिया ना, ये पाइन फॉरेस्ट देखने के लिए, वहाँ पे मोमो भी आ चुका है, वेज मोमो है ये। भैया बहुत रिकमेंड कर रहे थे इसको, श्रेयांश भाई अपने खा रहे हैं, बताएंगे कैसा है। कल वाले मोमो से अच्छे जो हम लोग दार्जिलिंग में खा रहे थे, उस दिन में वहाँ खाना बहुत बेकार था, मेरा उतना अच्छा नहीं लगा देखने में। अब ये देखने में देखो तो अच्छा अच्छा, देखो सूप वाला मेन खेले थे। तो ये भैया ही हमें लेकर आए थे, लेकर भी यही जा रहे हैं, मोमो भी इन्होंने ही रिकमेंड करा है। अभी हम लोग नेपाल बॉर्डर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है ना, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये सामने है नेपाल, देख लो, चलते हैं अंदर। ये देख लो जी, वेलकम टू नेपाल का बोर्ड, फिर से ये मेरा नेपाल में एंट्री हो रहा है, इस वाले बॉर्डर से ये मेरा सेकंड टाइम है। नेपाल के अंदर आते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे ओमनी हायर कर लिया है, देख लो जी नेपाल में एंटर कर चुके हैं। यहाँ हमारे टैक्सी ने हमें ड्रॉप करा, यहीं से फिर हम जाएंगे रिटर्न। श्रेयांश भाई का यहाँ पे फर्स्ट टाइम है इंटरनेशनल कंट्री, भाई कैसा लग रहा है आके? अच्छा लग रहा है, पहली बार। अभी थोड़ा ही घूम लो, फिर बाद में तो घूमेंगे अच्छे से, शुरुआत करिए। तो घूमते हैं अभी, मार्केट मस्त जैकेट्स वगैरह दिख रहे हैं हमें। तो नेपाल में थोड़ा घूमने के बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं वापस से इंडिया के तरफ। भाई देख लो, एक नॉर्मल जर्नी ब्लॉग बना रहा हूँ जिसमें मैंने एक इंटरनेशनल कंट्री दिखा दिया, अब वापस हम अपने इंडिया में जा रहे हैं। है यहाँ पे बैग्स का, जैकेट्स का काफ़ी बढ़िया बढ़िया कलेक्शन है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। तो यहाँ देख लो, हम लोग ले रहे हैं मोमोस और साथ में अभी हम लोगों ने पानी पिया, ये डालमिया का। भाई पानी पहली बार पानी के लिए इतना तारीफ करने का, पानी अच्छा लग गया, बहुत अच्छा है पानी। तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, देख लो, हमारा प्लान हो रहा है कि लेकर जाए यहाँ से थोड़ा दो। मोमोस कैसे है भाई, ट्राई किए? ये अंदर में भी वही है क्या? अभी यहाँ पे हम लोगों ने लिया है वाई वाई, और टेस्ट तो भाई बहुत अच्छा है। और वैसे वाई वाई तो आपको पता ही है नेपाल का ब्रांड है, मैंने एक बार फर्स्ट टाइम सिक्किम में सर ट्राई किया था और इसके बाद अभी ट्राई कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। मेरे को वाई वाई का मामा भुजिया बहुत पसंद है, जो लोग वाई वाई फैन है उनको पता होगा, ड्राई होता है वो, तो छोटे पैकेट में मिलता है, उसको चिकन भुजिया भी बोलते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है वो। तो भाई ये रही अपनी कार, आ चुके अभी हम लोग इंडिया में वापस से। हम लोग जा रहे हैं गोपाल धारा टी गार्डन के बीच से, और यहाँ से जब मैं विद फैमिली आया था ना तो चाय पत्ती वगैरह भी लिया था घर के लिए, अच्छा था, अच्छा मिल गया था। लास्ट टाइम मैं इधर आया था वो टी ब्रेक के लिए, मतलब घर के लिए चाय पत्ती भी मैंने पैक करवाया था, ये वाला ही जगह से मैंने लिया था सर, लेकिन याद नहीं आ रहा अभी, वैसा मिल ही नहीं रहा जो मुझे चाहिए। बहुत अच्छी चाय पत्ती था, मम्मी बोली लेते आना, बट समझ ही नहीं आ रहा है। और वैसे यहाँ का देख लो कुछ ऐसा नज़ारा है, ये पूरा देख रहे हो ना, ये गोपाल धारा टी गार्डन है, बहुत बढ़िया फोटोज वगैरह आता है।
हाँ जी, तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं NJP और ये वाले वीडियो का ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ अभी, क्योंकि ट्रेन का ना बहुत कट टू कट टाइम है, इसलिए अभी ट्रेन लेते हैं। कौन सा ट्रेन कौन सा नहीं वो आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में पता चलेगा। संदीप भाई का भी ट्रेन ऑलमोस्ट समझे छूट ही गया है, देखो मिलता है कि नहीं, जैसा रहेगा आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में अपडेट मिलेगा। फिलहाल ये वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। सारा ये जो अरेंजमेंट था मैंने ऑलरेडी बता दिया, शॉपिंग डार्क के थ्रू ही हम लोगों ने बुक करा था, बाकी उनका सारा डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। तो चलो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया, वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।